इतनी अच्छी आंधी चल रही है। दो तीन दिन से यही हुआ करा। हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। मैं आई हूँ चिक हटाने के लिए, क्योंकि इससे पहले ना काफ़ी धूप हो रही थी और ये चिक के बिना हमारा गुजारा नहीं है। बेचारी वॉल का काम करती है पूरी की पूरी। थोड़ी सी फट गई है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा फट गई है। इस टाइम चिक वाले गली में नहीं निकल रहे हैं और पुराना फ़ोन ख़राब हो चुका है मेरा, जिसकी वजह से उसके अंदर पुराने चिक वाले का नंबर था। बेचारा एक आया भी था लॉकडाउन में, कह रहा था कि ठीक कर दूं, तब वो 2000 मांग रहा था, तो मैंने कहा अभी नहीं, अभी लॉकडाउन खुल जाए तो फिर करवाती हूँ। अभी सिर्फ थोड़ी सी आंधी आ रही थी, आंधी भी नहीं थी और बारिश देखी कितनी अच्छी हो रही है। इतना ब्राइट क्यों ले रहे हो भाई, हम इतने गोरे चिट्टे नहीं हैं। इनकी तैयारी हो गई है, दूसरी वाली गई, उसने सिर भी धोया था आज। कल भी बारिश हुई है, परसों नहीं हुई है, और तिरछी देखो कितनी जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है क्योंकि हवा भी चल रही है। और ये ज़्यादा देर नहीं होगी, ये बारिश हमें सुकून देने के लिए नहीं हो रही है, हमें और परेशान करेगी ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुम्मस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। दिल तो मेरा भी कर रहा है कि नहा लूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये ढंग से होगी नहीं और ऊपर से हवा चल रही है ना तो ठंड लगेगी। मैंने फटाफट से यहाँ से सारे कपड़े उतारे हैं, देखिए इधर रखे हैं कपड़े, टॉवल वगैरह जो इधर रखे थे वो इधर रख दिए और इधर टांगे हैं, पोचे हटाए हैं ताकि गीले ना हो जाए। अब थोड़ी सी तेज हुई है, वो भी नहा रही है, ये भी नहा रही है, अब हुई है थोड़ी सी अच्छी बारिश। दिल तो कर रहा है मेरा मैं भी नहा लूँ। यहाँ पे खड़े होके ठंड लगना शुरू हो गया है। ये दरी उनकी गीली हो रही है, उसको कुर्सी पर डाल दे। चलो थोड़ा सा तो सुकून मिलेगा गर्मी में, पौधों में भी थोड़ी सी जान आ गई। तो देखिए बारिश में बच्चे या मैं ही नहीं, हमारा तुलसी का पौधा भी खिलखिला उठा है, ऊपर के पौधे भी। और सीढ़ियों से उतर रही थी तो देखा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरीके से पौधे खिल जाते हैं। और देखिए हवा चल रही है ना तो पौधा हिल रहा है, ऐसे लग रहा है सच में मैं तुलसी माता नहा रही हूँ बारिश में। चलिए चेक कर ले पानी आ रहा है, अभी सूख गया है, इसको उठा के रखना है बस। इसको पोचूंगी, आटा रखूंगी अभी, और आटा तो पिस के आ चुका है, ये बड़ा आटा इसको रखना है। किचन की होने वाली है सफाई, अब स्टार्ट होनी है शाम की सफाई। तो इससे पहले थोड़ा जो किचन का काम है मैं वो समेटने जा रही हूँ। रात को पानी नहीं था टैंकी के अंदर, शाम को पानी नहीं आया था, 2-4 दिन से लाइट भी दुखी कर रही है और साथ ही साथ पानी का भी बहुत लेवल ख़राब हुआ पड़ा है। इस टाइम 2 सालों से तो हमारे इधर पानी बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रहा है, तो फिर टैंकी में पानी थोड़ा बहुत रखना बहुत ज़रूरी होता है, वही लैट्रिन बाथरूम के लिए। बर्तन तो सुबह भी मच जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे वाले घर में रात को पानी लैट्रिन बाथरूम के लिए चाहिए हो और ना मिले, और इतनी गर्मी में खासकर तो परेशान हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि मुझे भी 2 तो मग्गे चाहिए ही होते हैं बार बार नहाने के लिए। तो सुबह माँजे हैं, सुबह फिर उसके साथ ही नाश्ते के बर्तन भी माँजे गए थे, तो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो गए थे। उस टाइम तो लगाना मतलब आसान बात नहीं था, तो अब मैं लगा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद ही थोड़ी देर बाद कमरे का काम, फिर बच्चों के साथ और भी बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो अब सारा काम कर रही हूँ, सबसे मेन तो अभी मैं ये सारे बर्तन इनकी जगह पर रख दूँगी ताकि शेल्फ़ खाली हो जाए और जो शाम के मतलब बर्तन वर्तन धुलेंगे उसके लिए जगह बन जाए। और गैस तो साफ़ है, लेकिन इसके ऊपर एक बार कपड़ा मार दूंगी, क्योंकि अभी चाय वाय भी बनानी है, और जो मैंने दोपहर को खाना बनाया था ना उस टाइम मैंने सफाई नहीं की थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में ये होता है खाना पीना बनाओ और फटाफट भाई कमरे के अंदर जाओ। मैं तो फटाफट से यही कर रही हूँ इन दिनों, नहाती हूँ खाना बनाने के बाद तुरंत नहाती हूँ और उसके बाद कमरे में कूलर के आगे ही चली जाती हूँ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है यार। ऐसे लगता है कि बस अगर ये छोटे मोटे काम हैंड टू हैंड करने के लिए सोचेंगे ना इस टाइम, तो किचन में से क्या आप किसी भी काम से खाली नहीं हो पाओगे, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाओगे। ये सब आप सोच नहीं सकते हो कि बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अगर
अपने लिए टाइम निकालना हो और हम सोचे कि हैंड टू हैंड भी काम कर ले तो नहीं हो पाता। इस टाइम तो खासकर नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है। तो इधर गैस मैंने पूरी अच्छे से साफ कर दी है, शेल्फ कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ये जो बर्तन है वो करेगी बेटी, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। मैं इधर थोड़ा सा ये बर्तन लगाने के लिए आई थी तो हाथों हाथ थोड़ा सा कर दिया, होता है ना कि चलो थोड़ा काम कम हो जाए। ये ना रात के बर्तन जो हमने धोए थे ना सुबह मॉर्निंग में, वो बर्तन थे, क्योंकि कल पानी नहीं था हमारी टैंकी में तो वो फिर सुबह धोए हैं और अब ये वाले शाम के हैं। दोपहर के खाने के बर्तन हैं, इसको 10 मिनट लगेंगे, सोची चाय बना के फिर चाय के बर्तन के साथ ही इसको धो लिया जाएगा। गैस साफ कर दी है, बस चाय बनाएंगे, बच्चे ऊपर से नहा के आ जाएं, फिर ही बनाऊंगी। जोत जलानी है, शाम का टाइम हो गया और इन टॉवल को रखने की जगह नहीं मिल रही है। हम 4 लोग हैं, चीकू को लेके 5 लोग, 5 टॉवल हैं। जब ये मानसून आ जाता है ना, सामान रखने की बहुत प्रॉब्लम होती है, खासकर कपड़े रखने की, क्योंकि टॉवल वगैरह मैं हमेशा गैलरी पे ही रखती हूँ, उससे धूप लगती रहती है और जब यूज़ करना होता है ना तो ये रहता है कि उठा के बाथरूम पास में यूज़ किया और वहाँ पे डाल दिया। लेकिन मानसून में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है इन टॉवल को रखने की। चलिए कोशिश करती हूँ कि सारे टॉवल धो के सुखा के रख देती हूँ, एक ही टॉवल निकालती हूँ जिसको हम सारे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि सूखेंगे नहीं ना, फिर नहीं मज़ा आएगा इन्हें यूज़ करने का। और सारे अभी तक मैंने आपके साथ कच्चे कटहल की सब्जी की रेसिपी शेयर की है, आज मैं पका हुआ कटहल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो गांव घर की साइड से होंगे उन्हें तो पता ही होगा पका हुआ कटहल मिलता है और इसे कच्चे ही खाया जाता है, मतलब ये पहले से ही बहुत पक गया होता है, इसे क्या कोई पकाएगा। और ये बहुत ही टेस्टी एक फ्रूट है और काफ़ी टेस्टी लगता है, पापा लेके आए थे। इन दिनों ये मतलब मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आगे पीछे नहीं मिलता है, अगर मिलेगा भी ना पका होगा लेकिन इस तरीके की मिठास नहीं होती, तो बहुत कम होता है जो लेके आए। और काफ़ी साल बाद इस बार आया है हमारे घर, पापा ने ये पूरा का पूरा भिजवा दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा काम कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड ही काट के 2 पार्ट में कर देंगे, आधा खुद रख लेंगे आधा में भिजवा देंगे। तो जब इस बेचारे को काटा है ना तो इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम ही हुआ है एक तरीके से, क्योंकि इसमें आधा करके भिजवाने लायक कुछ नहीं था। इसको अब हम अच्छे से खोलेंगे और इसके अंदर से इसके जो बीज वाला साइड होता है ना उसके ऊपर जो गुदा लगा होता है बस वही खाने वाला होता है। मुझे नहीं पता साइड के जो रेशे हैं वो खाए जाते हैं या नहीं खाए जाते हैं, बीज का तो पता है और बहुत ही यम्मी होता है यार। ये देखिए कुछ इस कलर का होता है ये, और जितना पका होगा ना उतना लाल पीला होगा और टेस्ट से भी मीठा और बहुत ही टेस्टी। जो खाता है उसको पता होगा, जो नहीं खाता है एक बार ट्राई कर लेना, बहुत मीठा है ये वाला। और कितने 2-3 साल बाद हम खा रहे होंगे, इसी मौसम में मिलता है ये। जिसने नहीं खाया ना एक बार खाना, आम खाना भूल जाओगे, अलग ही मिठास है इसकी, अलग ही मिठास। जिसने पहले कभी नहीं खाया होगा ना वो तो इसकी ऐसी हालत देखने के बाद और भी कभी नहीं खाएगा। हम लोगों ने खाया है ना तो हमें पता है कि भाई इस तरीके के इसकी चीड़फाड़ देखनी पड़ेगी, कितना गंदा सा लगता है और चिपचिपा भी थोड़ा सा हो जाता है। और आपको पता है कच्चा कटहल जितना चिपकता है ना हाथों में, पका हुआ नहीं चिपकता बिल्कुल भी, मतलब जैसे रेशे रेशे से होते हैं। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसके बीज निकाल रहे हैं, बच्चे साइड में ही हैं क्योंकि सबके हाथ लगाना अच्छी बात नहीं है, तो ये सारे बीज निकाल देंगे और आधा खुद रख लेंगे आधा मम्मी के घर भिजवा देंगे और कूड़ा चला जाएगा डस्टबिन में। खाना वाना हमारा हो गया है, खाना पीना खाने के बाद ही ये सब लेके बैठे थे, एकदम से ही मुझे याद आया यार ये पड़ा हुआ है, इसको तो काट दो नहीं तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये इसके आंतड़ियाँ पांतड़ियाँ, ये इसके लीवर किडनी, जैक फ्रूट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ईश्वर समझे क्यों बोलते हैं। अरे गांव में पका हुआ ही खाते हैं सब्जी, कोई कोई खाते हैं। मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि इसे जैक फ्रूट बोला जाता है, इसलिए फ्रूट की तरह भी खाते हैं सब्जी की तरह भी खाते हैं, तो वो बोल रहे हैं हमारे गांव में ना ऑलमोस्ट इसे कच्चा ही खाया जाता है, मतलब इस तरीके से खाते हैं, सब्जी तो कोई कोई बनाता है। तो मेरा ही पोपट हो गया भाई इधर, और ये इस बेचारे का पोस्टमार्टम हो गया है। अब इसको हम सिले मिलेंगे नहीं, ये कैसे वाला है। हाँ अब ये जाएगा बेचारा सीधा का लाके तरह सिलता था, नाम नाम लिख के सुविधा बोलोगे कच्चे में फोटो खींच लूंगा।
देखो पापा ने बोला था आधा आधा, आधा हमने रख लिया आधा तुमने रख लिया, ठीक है अब तुम आधा तक चीकू के इसमें डाल के ले लूंगा। इसके अंदर एक कॉगलेज की तरह सफेद फूल था इसलिए दिखा नहीं बट्ठा। और इसको मस्ती से काटने के बाद अब इसका बंटवारा हो रहा है, आधा मम्मी के घर के लिए आधा हमारे घर के लिए। उसके बीच में हमने कई सारे पीसेस खा लिए, मेरे हस्बैंड ने, भाई ने, मैंने, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद कंट्रोल किस किस से होता है। और आप लोग कटहल इस तरीके से खाते हो या नहीं खाते हो ज़रूर बताना, किस किस ने लाइफ में एक बार भी खाया और उसका टेस्ट उसे कैसा लगा है वो भी कमेंट्स करके बताना। छोटी वाली बेटी का अंजू को पता नहीं है कि वो खाएगी या नहीं खाएगी, रिएक्शन क्या हुआ टेस्टी में है या नहीं है ये बता। ऐसे मुंह बना के खा रही है, वो ये दिखाना चाह रही है कि वो मना नहीं कर पा रही। ढंग से खाना, पूरा मुंह में डाल, ढंग से पूरा डाल, गुठली बाहर को फेंकी पुच्ची से करके जैसे उसका किसका बोलते हैं बटर मेलन का, पूरा मुंह में डाल। अब लगा बैठा कैसे। अंजू का तो फाइनल हो गया है कि वो नहीं खाएगी, उसे पसंद नहीं आया इतना ज़्यादा, कह रही मीठा है लेकिन मुझे खाना नहीं है इसे। और ये कंटेनर में मम्मी के लिए लेके आई हूँ, चार लेके आई हूँ, मम्मी ने 6 मंगवाए थे, 1 केजी के मंगवाए थे लेकिन ये 2.5 केजी के हैं, मतलब इसमें 2.5 किलो आराम से सामान आ जाएगा। 1 किलो वाले मिल नहीं रहे थे और मम्मी को बहुत ज़्यादा नीड थी तो मैंने कहा 4 ले जाती हूँ, अगर उनको पसंद आएंगे तो और ले लूँगी। 100 रुपये का एक पीस है, होलसेलर शॉप पर बहुत लाइट स्टील है, मतलब भारी वाली स्टील नहीं है क्योंकि भारी वाली में ना लोहा मिक्स होता है तो क्रैक हो जाते हैं, ये वाले क्रैक नहीं होंगे। और इसको लाने का मेन रीज़न वही है, घर किचन में, मतलब मेरी मम्मी का घर नीचे का है ना तो उनके चूहे बहुत आते हैं, प्लास्टिक के डब्बे काट गए हैं बहुत सारे डब्बे जो कि 60-70 रुपए के थे वो भी काट गए हैं, एयर टाइट थे। तो अब फाइनली मम्मी और मैंने कहा कि स्टील के ही रख लो, स्टील में भी दूसरे वाले नहीं लिए हैं, इस तरीके के लॉक वाले लिए हैं क्योंकि दूसरे वाले में ना एक प्रॉब्लम है, वो गिरते हैं, ढक्कन खुल जाता है और सामान सारा गिर जाता है। इसमें मम्मी एक किल लगा के रख देंगे ना, लॉक कर देंगे तो खुलेगा नहीं और गिरेगा नहीं। तो चलिए मम्मी के लिए ये 4 डिब्बे हैं, है तो कैपेसिटी में काफ़ी बड़े लेकिन कोई बात नहीं, 2 दालें एक साथ रख लेंगे, उनको मैंने यही बोला है आप 2 दालें एक साथ रख लेना फिर हो जाएगा, आपके एक ही डिब्बे में 2 चीज़ें आ जाएंगी। आप लोगों को ये कंटेनर कैसे लगे ज़रूर बताना, सस्ते हैं महंगे हैं वो भी बताना। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।